मैं सोनल नागपुर से तत्काल न्यूज़ के लिए आपको एक कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जुड़े हैं तत्काल न्यूज़ के साथ में। मैं अभी फ़िलहाल हूँ नागपुर के मीहान सेज में। यहाँ एक बस्ती बरसों से रह रही थी, यहाँ पे लोग बरसों से रह रहे थे। लोगों ने यहाँ पे अपनी पीढ़ियाँ गवाई है, कुछ साल यहाँ पे रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने इनके ख़िलाफ़ एक मोर्चा खोला। मोर्चा ये खोला कि यहाँ की ज़मीन मीहान के सेज में जाने के बाद वो ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी गई है, कौड़ी मोल दामों में ये ज़मीन खरीदी गई। यहाँ के लोगों को पुनर्वसन के नाम पे दूसरी ज़मीनें दी गई है या घर दिए गए हैं, जो कि हमें मालूम पड़ा है कि वो सिर्फ 2 रूम का घर उनको अलॉट किया गया है। कुछ लोग अभी भी इस बस्ती में हैं, 2-4 घर ऐसे भी हैं जिनको अभी भी उनका मुआवजा सही तरीके से नहीं मिला है, उनका घर सही तरीके से उनको नहीं मिला है, तो वो कोर्ट में गए हैं। और सुने भी सोने, कौन सुने उनकी आवाज़, तो वो कोर्ट सुनने के लिए राज़ी है, लेकिन हाल फिलहाल उनका फ़ैसला कब होगा ये हमें भी नहीं मालूम और उन्हें भी नहीं मालूम। तो इतने सालों से वो जो यहाँ पे रह रहे थे, उनकी बस्ती कैसे खंडर हो गई है, उनके घर, उनकी ज़मीन कैसे खंडर में तब्दील हो गई है, ये छोटे से हमारे कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है, सिर्फ दिखता है तो एक खंडर। यहाँ पे एक सरकारी स्कूल था, ग्राम पंचायत थी, एक मंदिर था, लेकिन वो भी अब खंडर में तब्दील हो चुका है। हालात इतने खस्ता है कि यहाँ पे अब पशु भी नहीं रहते हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 2-4 घर है ऐसे जिनके पशु भी, उनका मुख्य स्रोत था कमाई का पशु और पशु के दूध की वजह से, तो वो अपनी भैंसों को लेकर यहीं पे है, लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ। जो नए घर अलॉट किए गए हैं उन घरों में भी उनको पशु रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी बड़ी ज़मीन भी नहीं है कि वो वहाँ पे पशुओं को रख सकते हैं। तो ऐसे में हाल फिलहाल अगर कोई मसला है तो वो है कमाई का साधन और स्रोत। तो ये जो भैंसे हैं या फिर ये जो जानवर है, उनके वजह से उनकी कोई जो दिहाड़ी मजदूरी भी होती थी या फिर जो भी उनसे कुछ कमा पाते थे, तो वो भी एक बंसा हो गया है। हम लोग और कोशिश करेंगे कि जो पुनर्वसन हो गया है वो कैसे हालातों में तब्दील हो गया है, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, यहाँ से स्थिति से बदतर वहाँ पे स्थिति है या कुछ अच्छी स्थिति उनको मिली है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो घर थे जहाँ वो खुशहाली से रहते थे, वो घर कैसे खंडर में तब्दील हो गए हैं, जैसे मानो भूकंप सा आ गया हो। आप देख सकते हो जहाँ तक कि हमारे कैमरे की नज़र जा रही है तो दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ पड़ा टूटा और गला हुआ घर। बारिश का मौसम है, हालात इतने ख़राब है कि हम लोग आपको अंदर जाके भी नहीं दिखा पा रहे कि कैसे है, लेकिन आप एक थोड़ा सा जायज़ा ले सकते हैं, दिमाग में एक अलग तस्वीर बना सकते हैं कि कैसे है। अभी सरकार ने इनको ज़मीन तो दी है, ज़मीन के बदले ज़मीन तो दी है, लेकिन वो इतना सा है कि वहाँ पे एक घर खुशहाली से बसने के लिए उतनी बड़ी ज़मीन नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट का रवैया इनके साथ कैसा है, ये बात जानने के लिए हमें उन लोगों तक जाना पड़ेगा कि कैसे उनको कितना कितना मुआवजा मिला है। किसी ने बताया कि एक छोटे से घर के मुकाबले हमको सिर्फ 3 लाख रुपए दिए गए हैं और एक 2 रूम का छोटा सा घर दिया गया है। नागपुर में रहने वाले स्मार्ट सिटी वाले लोग, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले लोग, आप नहीं जानते होंगे कि आप ही के नागपुर में ऐसी बस्तियाँ भी हैं और ऐसे बस्तियों का एक अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। तो आना पड़ेगा आपको इस खंडर में, देखना पड़ेगा। ये स्कूल है जहाँ बच्चे अपना भविष्य तय करते थे, यहाँ से उनके माँ बाप उनको बड़ा बनाने की कोशिश करते थे। ये स्कूल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे खंडर में तब्दील हो गया, जहाँ से बच्चे पढ़ते थे, जहाँ उनका वातावरण सुस्त स्वस्थ रहने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब देखो कैसे यहाँ पे जानवर रहने लगे हैं। पड़ा हुआ गला हुआ घर दिखेगा, ABCD की हालत देखे कैसे हो गए हैं, मानो 10 साल से ये पड़ा हुआ भंगर पड़ा हुआ है। ये भी ऐसी रूम हो गई है, ये भी ऐसा कमरा हो गया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ चील, कौवे और अलग अलग पंछी अंदर रहते होंगे। शैतान का घर जैसा घर बन गया है। इसके ऊपर भी किसी की कोई नज़र नहीं। जो कंपनी यहाँ पे आने वाली है ना, उस कंपनी ने इसको हटाया है ना कुछ किया है, लोग अभी यहाँ से गए नहीं हैं। फ़िलहाल ऐसी न्यूज़ और ऐसी रिपोर्ट आपके पास पेश करते रहेंगे। जुड़िए हमारे साथ तत्काल न्यूज़ के साथ, जर्नलिस्ट अमित के साथ। मैं सोनल, तत्काल न्यूज़, नागपुर।